मैडम, आज जो ये प्रोग्राम रखा है कि साझा विशारत, तो इसका क्या तात्पर्य है, इसे क्यों इन्होंने इसका नाम दिया इस तरीके से? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहूंगी। मेरा नाम विजेश यादव है, प्रदेश महासचिव हूं महिला कांग्रेस में हरियाणा से। और जो ये साझी विरासत बचाओ सम्मेलन है, यह एक सभी वर्ग के लोगों के लिए एक सम्मेलन हुआ है। खासकर ये पूरे भारत में, जो पूरी भारत की विरासत है वो साझी विरासत है, वो किसी एक पार्टी की विरासत नहीं है, खाली बीजेपी की विरासत नहीं है। बीजेपी आज जो है एक छत्र राज करने की सोच रही है और अपना एक तानाशाही राज कर रही है। उन्हें किसी जनता से, किसी पार्टी से, किसी धर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कि क्या नाम है, आप देखिए कि पूरे भारत के अंदर देश को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। आज तक कभी भी इस तरह की कोई भी किसी पार्टी ने ये काम नहीं किया है। और हम, क्योंकि पूरा भारत एक सभी धर्मों का भारत है, इसके अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो इसी को लेकर हमारे शरद यादव जी ने यह एक सम्मेलन किया और सभी को आमंत्रित किया और कहा कि किसी भी तरह से इस बीजेपी के राज, बीजेपी पार्टी से देश को बचाया जाए, जिसमें सिर्फ एक छत्र राज किया जा रहा है। जैसे कि आज से पहले, बहुत साल पहले अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, उसी प्रकार से यह एक पार्टी भी देश को गुलाम बना रही है और त्राही त्राही पैदा कर रही है। हर जगह लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। अभी यूपी में देखिए, बच्चों के साथ जो वारदात हुई है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। बाढ़ आ रही है बिहार में, यूपी में, उससे किसी भी तरह से इनको जो एक होता है ना धरातल पे, कोई काम नहीं किया जा रहा है। खाली भाषणों में, खाली देश को बांट के, हिंदू मुस्लिम को बांट के, आपको मैं बताऊं, जनता आपस में कभी भी नहीं बंटती है। जनता बहुत प्यार से रहती है, सभी धर्म के हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर रहते हैं। हरियाणा के अंदर इनको मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं मिला है तो इन्होंने जाट आंदोलन करवा दिया। मतलब हर जगह कोई ना कोई एक मुद्दा खड़ा कर देते हैं अपने। जो भाई तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारे देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ, उसमें ध्यान दो। वो उस, जब इनका वही है जैसे राहुल जी ने कहा कि मोदी जी का भाषण छोटा होता जा रहा है। अब आप देखिए कि भाषण एक्चुअली में छोटा होता जा रहा है, जिसके अंदर अब इनको आगे अपनी योजनाओं को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आप खुद देखिए कि मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारे पूरे भारत की युवा जनता को, बच्चों को बहकाया जा रहा है धर्म के नाम पर, उन्हें गलत रास्तों पे लाया जा रहा है। एक जमाना वो था कि भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी भारत को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए, अंग्रेजों के राज से छुड़ाने के लिए देश के लिए कर रहे थे काम। आज बताइए, बाहर की तो कोई अंग्रेजों के गुलाम से ज़्यादा तो ये पार्टी, बीजेपी पार्टी जो है यह गुलाम बना रही है। सभी जगह त्राही त्राही मची हुई है। हर रोज सुबह उठकर हम सोचते हैं कि आज का दिन किसी भी तरह से कोई वारदात सुनने को नहीं मिलेगा, कोई शुभ समाचार भी जब हम टीवी ऑन करेंगे समाचार, कोई अच्छा समाचार मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हाथ जोड़कर अपने देश की जनता से कि जरा अब आप बहुत सोचने का टाइम आ गया है, दिल से दिमाग से आप लोग काम लीजिए। किसी भी, मैं कह रही हूँ, किसी के भी बहकावे में आप लोग मत आइए। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि से आप पूरी तरह से बुद्धि का उपयोग कीजिए। आप नेतागिरी कर रहे हैं, नेता भी हैं, आज जैसे कि सारे नेताओं ने आकर, सभी पार्टी के नेताओं ने आकर, या एक पार्टी को छोड़ के सभी ने अपनी बातें बहुत अच्छी कही, क्या ये 2019 के अंदर ये सभी नेता कुछ करके दिखाएंगे? हाँ जी, जरूर करके दिखाएंगे। और आपने कहा कि मैं राजनीति में हूँ, राजनीति में मैं जरूर हूँ, मैं एक समाज सेविका भी हूँ और समाज को एक होकर लेकर चलना मेरा एक उद्देश्य है और राजनीति में आने का भी मेरा यही एक मकसद है। और मैं हर महिला को भी अधिकार दिलाने के लिए आगे अपनी लड़ाई लड़ती हूँ। और हम जितने भी आज यहाँ पर, जितने भी लोग, जितनी भी पार्टियाँ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जरूर इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे बीजेपी वालों का। इन्होंने जो त्राही त्राही कर दिया है उसका जवाब जनता
भी इन्हें देगी। एक दिन जनता, कब तक जनता इनकी खाली भाषणों में और खाली इनके बगलाए हुए भाषणों में इनकी हकीकत कब तक नहीं जान पाएगी? तो वह दिन अभी नज़दीक आने वाला है और मेरी तो पूरे भारत के भारतवासियों से यही निवेदन है कि अपने भारत को फिर से एक माला में सभी धर्मों में सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर उसी तरह से फिर से भारत को एक बनाएं। धन्यवाद।